हेलो गाइस, माय नेम इज निखिल और आज हम आए हैं मोनू शेक शॉप एंड ग्रिल के यहाँ पे। तो आइए गाइस, आपको लेके चलते हैं। और मोनू शेक शॉप ग्रिल, यहाँ का शॉप का रास्ता ये रहा, आप देख सकते हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं, आइए चलते हैं। तो हम शॉप के अंदर आ चुके हैं, ये है मोनू शेक शॉप। और भैया आपका नाम? प्रद्युम चौरसिया नाम है भैया का। तो अभी आपके पास कौन कौन से शेक आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। मेन्यू है आपका कुछ? मेन्यू है, दिखा दीजिए, मेन्यू दिखा दीजिए। हाँ तो ये मेन्यू गाइस आ चुका है, ये दिखा सकते हैं आप कौन कौन से शेक है। कैमरे के अंदर दिखाइए भैया, सारे शेक हैं जी, इधर दिखाइए इधर कैमरे के अंदर। हाँ जी बताते रहिए कौन कौन से शेक है हमारे पास। चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, पाइन एप्पल है, कीवी है, ब्लैक करंट है, मिक्स फ्रूट है, ओरियो है, उसके बाद किटकैट है। और भैया ये जो शेक्स के रेट होते हैं आपके पास, किस किस तरीके की क्वांटिटी होती है, क्या? स्मॉल 250 ml है 30 रुपए, मीडियम है 40 रुपए, उसका क्या बोलते हैं क्वांटिटी है 450 ml, उसके बाद लार्ज है 750 ml का 50 रुपए। तो भैया आपके हिसाब से शॉप के अंदर जो हमें शेक लगवाना चाहिए वो कौन सा शेक लगवाना चाहिए? हमारे अंदर शॉप के अंदर ओरियो शेक पी सकते हैं, किटकैट, हार्ट एंड शेक, मिक्स फ्रूट, ऑल शेक, ऑल शेक्स। तो हम गाइस तो हम ट्राई करते हैं, पहले हम जो शेक लगवाएंगे वो हम ओरियो शेक लगवाते हैं। तो भैया एक काम कीजिए, आप एक ओरियो शेक लगा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ का फीडबैक देते हैं। हाँ तो गाइज हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जो ये शेक पी रहे हैं कौन सा शेक पी रहे हैं, उनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए। तो भैया कौन सा शेक पी रहे हैं भैया? मैं बनाना शेक पी रहा हूँ और ये काफ़ी सही अमाउंट में इन्होंने दिया है और इट्स रियली गुड। मतलब भैया इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो उन्होंने डाली है, वो इंग्रेडिएंट क्या क्या डालते हैं कुछ बता सकते हैं? आप खा रहे होंगे तो आपको पता तो चल ही रहा होगा इंग्रेडिएंट्स का। एडिशनली आइसक्रीम लिया मैंने इसमें, एंड बनाना इज रियली गुड, रिपिन और जैम, जेरीज एंड ड्राई फ्रूट्स। जैम, जेरीज एंड ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाली हुए। क्या कॉस्ट पड़ती है आपको एक शेक की यहाँ पे? 40 रुपीज़, 40-50 रुपीज़। या काफ़ी टाइम से पी रहे हैं अभी थोड़ी? नहीं मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ इनका, मैं फ्रीक्वेंटली आता हूँ यहाँ। और शेक्स ही पीते हैं आप ज़्यादातर? ज़्यादातर शेक्स ही पीता हूँ। और बहुत अच्छा लगा भैया का फीडबैक। हाँ तो भैया से फीडबैक लेते हैं। हाँ भैया आपका नाम? इंद्रजीत नाम है आपका? इंद्रजीत। ओके भैया, कौन से शेक ट्राई कर रहे हैं भैया का? कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं। तो क्या कैसे लगता है आपको, रेगुलर कस्टमर हैं या कभी कभी आते हैं? इसी टाइम पे आके खा लेते हैं रेगुलर। बेसिकली जब आप आते हैं तो कौन सा शेक पीते हैं यहाँ पे आके? यूजुअली बनाना शेक पीता हूँ और कभी कभी कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा सा चेंज के लिए, यूजुअली बनाना शेक ही पी लेता हूँ। तो फिलहाल अभी जो एक शेक पी रहे हैं आप, ये कौन सा शेक है? ये कोल्ड कॉफ़ी है शेक। कोल्ड कॉफ़ी पीने में कैसा है भैया? बढ़िया है। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं शेक्स के अंदर अपने? चीनी, दूध, चॉकलेट आइसक्रीम और कॉफ़ी डाल देते हैं। कॉफ़ी डाल देते तो हाँ, और ऊपर से चॉको चिप्स वगैरह, और आइसक्रीम भी लग रही है कुछ? हाँ चॉकलेट आइसक्रीम भी, आइसक्रीम और सिरप वगैरह भी डालते हैं, चॉकलेट सिरप टाइप समथिंग। तो आपको कैसे, मतलब आप इसको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे शेक को? 10 में से 9। एक नंबर क्यों? मतलब कभी कभी थोड़ा सा ये कर देता है, मतलब हाँ जल्दी में, या कभी कभी भीड़ हो जाती है। वैसे तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, टेस्ट बहुत बढ़िया, मैं रेगुलरली आता हूँ यहाँ पे। हाँ तो अभी भैया हम अंदर आ चुके हैं शॉप के और आपको देखते हैं, यहाँ पे भैया भी थोड़े बिजी है तो हम आपको खुद ही दिखाएंगे यहाँ का जो फ्रिज खोल के और इसके अंदर क्या क्या आइटम्स है, आइसक्रीम किस किस टाइप की होती है। तो ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं सारी, मतलब क्वालिटी वाइज जो आइसक्रीम है कितनी क्वालिटी होती है आइसक्रीम की देख सकते हैं आप। अंदर हर तरीके की आइसक्रीम रखी हुई है। कोशिश करता हूँ, अगर मैं पूछ के देखता हूँ अगर भैया से, अगर कोई बता दो भैया बता दो। तो भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आइसक्रीम है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपका नाम क्या है भैया? हंसराज भैया। तो ये आपकी जो आइसक्रीम है, ये आप बता सकते हैं कौन कौन सी आइसक्रीम है इसके अंदर? भैया बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, पाइन एप्पल है, वनीला है, मैंगो है, चॉकलेट है। आइसक्रीम शेक्स में डलती है या अलग से भी देते हो आप? अलग से नहीं देते सर, शेक्स में डलती हैं ओनली। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे जो फ्रिज के अंदर जो आइसक्रीम थी ये शेक के अंदर ही डाल के देते हैं और हमारा शेक रेडी होने जा रहा है, तो वो आपको देखते हैं और सिनेमैटिक का बाकी मजा लीजिए आप। तो देखिए
हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा ओरियो शेक है ये आ चुका है, देख सकते हैं कितना ही चॉकलेटी है हिसाब किताब इसका पूरा ही, प्लस ओरियो बिस्किट अलग से ऊपर चमक रही है और शेक की थिकनेस बता रही है क्योंकि कितना टेस्टी शेक है। और क्या बोलते हैं चोको चिप्स डली हुई है मेरे मुँह के अंदर, तो पानी आ रहा है इस टाइम और इसको पी के ट्राई करते हैं, पहले थोड़ा सा खा के ट्राई करते हैं कैसा है। जो चोको चिप्स का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पंच सा आ रहा है उसके अंदर, खाने का पंच आ रहा है, और जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्की सी मेल्ट हुई है तो उसका भी टेस्ट आने लगा, और जो ओरियो है उसके ऊपर जो टॉपिंग है वो अलग से आ रही है, प्लस जो शेक है उसके अंदर भी ओरियो डली हुई थी गाइस मिक्स करके बनाया गया पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। और एक बार पी के ट्राई करते हैं इसको कैसा है यहाँ का ओरियो शेक, खाने पे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, बाकी जो मिक्स करके कैसा आ रहा है स्मूथनेस है नहीं है मीठा है नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मैं सेकंड शेक ट्राई कर रहा हूँ ऐसा, मैंने पहले भी ये वाला शेक ट्राई करा है बट इसकी जो बात है वो थोड़ी अलग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रखा है। और इनका जो शुगर बैलेंस है जो शेक्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मीठा एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, जब बोलना पड़े कस्टमर के जो बना रहे हैं शेक के कैसा शेक बनाया है कैसा नहीं बनाया है, मतलब एकदम बढ़िया है सब कुछ बढ़िया लगा। और बाकी इसका ये शेक पूरा ख़त्म करते हैं फिर आपसे बात करते हैं, मिलते हैं आगे। हाँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये बनाना शेक है वो आ चुका है, और उसके ऊपर के देख सकते हैं ये जो इन्होंने फ्रूट्स एंड नट्स जो डाल रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में डिलीशियस लग रहे हैं, और बाकी टेस्ट करके देखते हैं, पहले हम थोड़ा खा के ट्राई करते हैं कि उसका जो कॉम्बिनेशन है इन्होंने जो बनाना शेक के अंदर बनाया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। जो मीठा है शेक्स के अंदर जो मीठा है एकदम प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर है, चीनी एकदम बराबर डली हुई है इसके अंदर, और जो शेक के जो नट्स हैं वो भी एकदम अलग से टेस्ट आ रहा, तो आइसक्रीम जो इसके अंदर आइसक्रीम है वो ट्राई करते हैं क्या कैसी है, थोड़ी सी आ पाई कोई बात नहीं। आइसक्रीम के साथ जो फ्रूट्स का फ्लेवर है वनीला आइसक्रीम डली हुई है इसके अंदर, टेस्ट करने में पता चला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एक बार एक सिप लेके देखते हैं इसका। यानी सच में शुगर का जो कॉम्बिनेशन होता है जैसे कि मीठा हो जाता है कभी फीका हो जाता है तो वो बैलेंस्ड रखा है, जो फ्लेवर होता है एकदम परफेक्ट आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बाकी पूरा ख़त्म करके आपको बताते हैं। हाँ तो गाइस आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पे ग्रिल सैंडविचेस भी मिलते हैं, तो इधर भी आइए और जिसके ग्रिल सैंडविचेस ट्राई करते हैं, पहले भैया का नाम पूछते हैं और भैया के पूछते हैं कौन कौन से सैंडविचेस होते हैं इनके पास। तो आपका नाम सरजीत कुमार, ये आपका मेन्यू दिखा सकते हैं सर, ये आपका मेन्यू है सर, जैसे आप बताइए वो जो सैंडविचेज हैं आपके जो मोस्टली ज़्यादा जो बिकते हैं वो कंटिन्यू डेज के अंदर वो कौन कौन, हमारे जैसे पिज्ज़ा सैंडविच है, पनीर ग्रिल सैंडविच है, स्पाइसी है, और कौन सैंडविच है, कौन चीज़ है, क्लब सैंडविच हमारे फेमस है। तो इसके अंदर से सर आपको जो हमें ट्राई करना चाहिए वो कौन सा सैंडविच, आप स्पेशल सैंडविच हमारा ट्राई कर दीजिए, पिज्जा सैंडविच बहुत अच्छा फेमस है हमारा, नाम से लोग आते हैं यहाँ पे मोनो शॉप के। फर्स्ट सैंडविच आप हमारा कौन सा लगाना चाहेंगे, हम आपको पिज्जा सैंडविच खिलाते हैं, तो सर आप हमारा एक पिज्जा सैंडविच लगा दीजिए। ओके सर, ओके। तो हाँ तो गाइज अभी हमारा जो पिज्जा सैंडविच है वो रेडी होने जा रहा है, उसके बाद रेडी करवा के उसके बाद वो ट्राई करते हैं और उनका रिव्यू देते हैं और कस्टमर फीडबैक भी लेंगे यहाँ से, तो आइएगा। हाँ तो भैया नाइस टू मीट यू भैया, आपका नाम संकेत, संकेत नाम है भी आपका, ये कितने टाइम से इस शॉप पे आ रहे हैं भैया सैंडविच खाने के लिए आप, हम 5-6 महीने हो गए कंटिन्यू, 5-6 महीने हो रहे, तो आप कौन सा सैंडविच ट्राई कर रहे हैं, चीज़ सैंडविच ये पहले कभी ट्राई करा है, बहुत बार किया ट्राई, तो ये कैसा होता है खाने के लिए आपने, क्या मतलब ठीक है अच्छा है, इट इज़ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिलीशियसनेस। ओके सर, तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं, चीज़ डालते हैं, फिर वो मेयोनीज डालते हैं, फिर ब्राउन ब्रेड रहता है, हेल्दी रहता है, ब्राउन ब्रेड तो व्हीट ब्रेड होती है, हेल्दी होता है, जो लाइब्रेरी में मतलब शेड्यूल रहता है बैठने का तो पूरा बैलेंस हो जाता है खेल के साथ। ओके ओके, तो सर आप इन जो सैंडविच है चीज़ सैंडविच, वैसे तो आप अभी चीज़ सैंडविच खा रहे हो तो उसी के बारे में पूछूंगा आपसे कि इसको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप, 10 out of 10 आई गेस, 10 out of 10 देना चाहेंगे। ओके, मैंने बहुत सारी जगह पे सैंडविच खाया है लेकिन उसमें थोड़ा खाते समय वो है ना अनहेल्दी कॉन्शियसनेस रहती है हमारे, वो यहाँ नहीं रहती क्योंकि बहुत क्लीन और हेल्दी रहता है। ओके, क्लीन और हेल्दी है, बिल्कुल हाइजीनिक रहता है एकदम। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
हाँ तो गाइज ये हमारा सैंडविच है, हमारा जो लगने जा रहा है भैया, ये हमारा सैंडविच लगा रहे हैं, तो ये आप हमारा सैंडविच लगा रहे हैं, देख सकते हैं कैसे बन रहा है भैया, क्या डाला अभी आपने इसमें? देख सकते हैं, मैं आपको हटा के दिखा सकता हूँ जी जी। इसमें वेजिटेबल है, इसमें जैसे ओनियन है, कैप्सिकम है, टमाटो है और म्यूनिस है मेरे, इसके अंदर ऑरेगानो है, चिली फ्लेक्स है, सिलिंग है। तो ये सैंडविच लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर सर जो आपने डाला ये सर ये है केचप, इसमें टमाटो, हाँ टमाटो केचप है। ओके ओके, और स्पाइसी गार्लिक है। ओके, जो सर आप टमाटो केचप वगैरह यूज़ करते हैं वो कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं? ये उसकी है, हाँ फन फूड्स की है। फन फूड्स, अच्छा फन फूड्स की यूज़ करते हैं। मतलब चीज़ अच्छी होती है इनके सारे, जितने भी क्वालिटी वाइज तो अच्छी होती है। बाकी इसके ऊपर अभी आप क्या लगाएंगे? ये बेस बना रहे हैं अभी सर, हाँ इसमें हम लगाएंगे अब चीज़ कौन सी यूज़ करते हैं सर आप? अमूल की, अमूल चीज़ यूज़ करते हैं। ओके ओके, तो उसके बाद ये इसके ऊपर एक और मतलब ब्रेड लगेगी? नहीं सर, अब इसके ऊपर ब्रेड नहीं लगेगी, ओवन में जाएगा। ओके ओके, ओवन में जाने के बाद ये रेडी हो जाएगी? कितने से मिनट, कितने मिनट में रेडी हो जाता है? 2 से 3-4 मिनट में मशीन में रेडी है। ओके, तो कस्टमर को कितने देर में, 5 से 6 मिनट में आप सर्व कर? 5-7 मिनट कस्टमर को हम दे देते हैं। ओके ओके, उसके अंदर हमें कस्टमर को देना होता है, 5-7 मिनट के अंदर अंदर दे देते हैं, मतलब 5-7 मिनट के अंदर अंदर दे देते हैं आप। ओके, जल्दी से हमारा जो सैंडविच है देखिए ओवन में जा रहा है, उसके बाद बन के हम ट्राई करते हैं सैंडविच को और आपको फीडबैक बताते हैं। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो क्या बोलते हैं सैंडविच आ चुका है, ये पिज़्ज़ा सैंडविच है हमारे यहाँ का, जो शॉप है यहाँ का, ये पिज़्ज़ा सैंडविच है, इसको भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा हमारे को खाने में। फर्स्ट बाइट लेता हूँ, भाई सीरियसली जो ब्रेड है, मुझे लगा था कि आटे वाली जो ब्रेड के अंदर कॉम्बिनेशन है इसका, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, किसी को आटा ब्रेड पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती। और जो सैंडविच है उसके ऊपर चीज़ मतलब एक स्मूथ सा जो टेक्सचर होता है ना वो आ रहा है, और जो मेयोनीज का टेस्ट है वो अलग से आ रहा है धीरे धीरे, और जो स्टफिंग है वो सब मतलब बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो भी इनका कुलचा और सब कुछ होता है वो सेम ही रहती है इनकी, और खाने मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जो इसके ऊपर ये सॉस वगैरह डली हुई इसका भी अलग ही अलग टेक्स्चर है, और चिली फ्लेक्स भी डले हुए इसके अंदर। तो पूरा ख़त्म करते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। हाँ तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारा जो ये कुलचा भैया क्या बोलते हो आप इसको? आटा कुलचा है, बिटानिया का है। आटा कुलचे के अंदर लगाओगे भैया? तो स्टार्ट कर दो भैया आप हमारा एक कुलचा सैंडविच लगाना। यस सर, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे सामने जो कुलचा ये आ चुका है, और इसकी फर्स्ट बाइट लेके ट्राई करते हैं। पहले ज़रा कैचअप खोल लेते हैं, यहाँ की कैचअप भी कंपनी की देते हैं, पाउच में देते हैं, देख सकते हैं आप ये पाउचेज हैं, इसके अंदर ये देते हैं कैचअप, खोल के वही ट्राई करते हैं। ये मैंने कैचअप डाली है साइड में डाल देते हैं, साइड में कैचअप डाल लेते हैं और ट्राई करते हैं फर्स्ट बाइट यहाँ के कुलचे की। गाइस जो कुलचा है यहाँ का ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, और अंदर जो इन्होंने स्टफिंग डाल रखी है मेयोनीज की वो पता चल रहा है क्रीमी आ रही है एकदम, और जो चीज़ डाला था इन्होंने अमूल चीज़ के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सही लगी मुझे, और वेजीज है उसका भी टेस्ट अलग से आ रहा है, और जो प्याज वगैरह डली हुई है वो भी बहुत सही है, और अंदर जो इसके अंदर जो मसाला वगैरह डाल रखा है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस ये पूरा कुलचा ट्राई करते हैं, पूरा खा के फिर आपको आगे बात करते हैं। हाँ तो भैया कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे लेकर के शॉप को, तो आप बताइए कि जो इस शॉप की टाइमिंग है वो कितने से कितने बजे तक की है? सुबह 8:30 बजे से रात 11:30 बजे। 11:30 बजे बंद हो जाती है शॉप? ओके, और क्या बोलते हैं अब अपने कस्टमर को बताइए कि मतलब यहाँ पे आए ट्राई करें ज़रूर, और एड्रेस बताइए यहाँ का। 9A ब्लॉक है, 9A 31 करोल बाग चाइना मार्केट जी, यही है बस, इतना ही एड्रेस है आपके यहाँ। हाँ ओके, तो गाइज आपने देखा कि एड्रेस उन्होंने बता दिया, टाइमिंग बता दी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और तब तक के लिए बाय गाइज।